नमस्कार, सलाम, आदाब। कलम चलेगी तो तावीज बनेगी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत में कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चलते पूरे देश में तालाबंदी के शतक यानी 100 दिन पूरे करने के बाद कुछ जगहों पर सीमित समय के लिए छूट तो कुछ जगहों पर कड़ाई के साथ तालाबंदी के नियमों को आज भी जारी रखा गया है। कारण यह है कि जहां कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, वहां तालाबंदी में कुछ छूट कर दिया गया है लॉकडाउन के नियमों के अनुसार। और जहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं, वहां तालाबंदी के नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया बल्कि कुछ और संशोधन कर दिया गया है। मुंबई के उपनगर में कई जगहों पर तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी को काबू में करने के लिए तालाबंदी के नियमों को कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हम बात करें साउथ मुंबई की तो साउथ मुंबई में कोरोना बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू में कर लिया गया है। साउथ मुंबई में लोगों को जागरूकता के कारण मरीजों की संख्या में धीरे धीरे गिरावट आई है, जिसके कारण कुछ स्थानों पर आने जाने और घूमने फिरने के लिए तालाबंदी के नियमों के अनुसार छूट दी गई है। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं साउथ मुंबई के उपनगर महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन और हजी अली के सामने रेस कोर्स के मैदान में। वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता बेलाल अहमद हमसे जुड़ेंगे रेस कोर्स मैदान में मौजूद लोगों के कुछ नए सवालों के साथ। आपको क्या लग रहा है इस ग्राउंड में आके, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा फील हो रहा है लॉकडाउन के बाद सब देख के। अब लॉकडाउन के बाद पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी आते हैं? हफ्ते से आना जाना कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पब्लिक इतनी रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब करते हैं, जॉगिंग, अपना वॉकिंग, एक्सरसाइज, बच्चे प्ले करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लॉकडाउन के बाद आप पहली बार आ रहे हैं इस ग्राउंड में? पहली बार नहीं, 4 से 5 बार हो गया। अच्छा, ये लॉकडाउन के पीरियड में या लॉकडाउन से? जब गवर्नमेंट ने अनलॉक किया उसके बाद से आना हुआ है। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेंटली स्ट्रेस था जो लॉकडाउन में जो हुआ था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर निकल गए हैं। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि केंद्र ने किया था लॉकडाउन और हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनलॉक किया है और इतने केसेस होने के बावजूद और इकोनॉमी को तेज रफ्तार दी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है उनका जो कदम है। इस ग्राउंड को देख के ऐसा नहीं लगता कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे भी लोग क्रिकेट भी खेलने आ रहे हैं तो उसमें अभी आपने इतने सारे प्रोटोकॉल दे दिए कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बॉल को 10 से 11 जन खेल रहे हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और फिर मिलते हैं जब चेयरअप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं आप इस ग्राउंड में आके? अलग ही फील हो रहा है, कितने लोगों को देखने के बाद आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। लगभग एक हफ्ते से तो मैं आ ही रहा हूँ यहाँ पर और आज अलग ही फील है, आज बहुत ज़्यादा लोग आए यहाँ पर। We'll be right back.